तो अब दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल में अलोंग दी एक्सिस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। अब एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। जैसे मान लो ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज ले लिए, डायपोल अपना बन गया, ठीक है। सेंटर से दैट इज ओ एल डिस्टेंस है, ये भी एल डिस्टेंस है। यहाँ से एक्स 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 डिस्टेंस पर दैट इज पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण निकालना है। डायपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो डायग्राम ड्रॉ करो बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी बीचों बीच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक्स डिस्टेंस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्स डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर नेट डाइपोल क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसको फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आने हैं और दोनों रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलें बेसिक से स्टार्ट करें हम लोग अपना इसको निकालने का। अब पहले देखें माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहां से ये कनेक्ट कर दिए, ठीक है। पी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसी के लॉन्ग होता है और टुवर्ड्स दी माइनस क्यू चार्ज नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं। तो ये हो गया ई वन का डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस दूसरे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है जो लाइन ज्वाइन किए हैं उसी के अलॉन्ग, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही देखे हैं जो चार्ज ज्वाइन करते हैं उसी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इसी के अलॉन्ग रहेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो अवे। तो ई टू का डायरेक्शन क्या हो गया, इसी लाइन के अलॉन्ग ये हो गया ई टू, ठीक है। ई वन और ई टू का वैल्यू क्या होगा, E1 इक्वल टू फॉर बेसिक फॉर्मूला KQ/R2, ये मान लेते हैं R डिस्टेंस है, ये भी R डिस्टेंस है, दोनों सेम क्यों होगा, ये देखो X है, ये L है, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होगा स्क्वायर रूट X2+L2, ये भी स्क्वायर रूट X2+L2, दोनों R होंगे, दोनों सेम डिस्टेंस पर है। तो सेम डिस्टेंस पर है, चार्ज भी सेम है, तो E1 = E2, चार्ज भी सेम R भी सेम, तो E1 और E2 का वैल्यू क्या होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं E है फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है देखना है भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये दो वेक्टर हो गया E1 E2, ये मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे बेटे, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या देखा, E1 और E2 का दोनों का वैल्यू सेम, क्योंकि चार्ज और R का वैल्यू सेम है। अब आग दोनों का रिजल्टेंट देखना है, दो वेक्टर का।
तो ये मान लेते ये एंगल थीटा बनाया, ये भी सिमेट्रिक ही है, तो ये भी एंगल थीटा ही बनाएगा। और दो वेक्टर है, रिजल्टेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये यहां पर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी E2, ये एक्सिस ले लिए, ये है E1, ये भी थीटा ही बनाएगा। देखो दोनों पैरेलल लाइन, अल्टरनेट एंगल इक्वल, थीटा कर दी, ध्यान। फिर उसी तरह से ये देखो E2 क्या बना रहा है, E2 जो अलग, तो ये भी थीटा बना रहा था, तो ये भी एक्सिस के अबाउट ये भी थीटा ही बनाएगा, एंगल में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, E1 E2 का दोनों का कंपोनेंट ले लेते हैं, ये क्या यही है ना, ये हो गया E1, थीटा एंगल बनाया, ये E2 थीटा एंगल बनाया, E कर देते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर ही है, राइट। तो E का, इसका E2 का क्या, E का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में E cos थीटा, उसी तरह से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस वेक्टर का E है तो E sin थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट E sin थीटा, यहां तक कोई दिक्कत, ये दोनों अपोजिट है, E sin थीटा उड़ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या हो गया, E net इक्वल टू 2E cos थीटा, डायरेक्शन यही, चाहे इसी को E परपेंडिकुलर भी हम लोग बोलते हैं, E परपेंडिकुलर, राइट बेटे। ये वैल्यू निकाल के रख देते हैं, काम खत्म। चलो लिख लो बेटे फटाफट इसको, E के वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 2E KQ/R² cos थीटा, देखो ध्यान से cos थीटा क्या हो जाएगा, ये है L, L अपॉन R लिख सकते हैं, तो cos थीटा का वैल्यू रख दिए L अपॉन R। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करें इसको, 2KQL/R³। P के टर्म में कैसे, P का वैल्यू क्या है अपना, P इक्वल टू Q चार्ज है, Q इंटू 2L, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L। न्यूमरेटर को उस फॉर्म में लिखते, देखो 2 को 12 कर देते हैं और Q है ही, व्हाट यू कैन राइट, KP upon R cube। अब चले इसका अप्रोक्सीमेशन कर दें, R का वैल्यू अपना क्या है, x² + L² का स्क्वायर रूट, तो E परपेंडिकुलर मेरा आ गया KP upon R cube। व्हाट इज दी R, R इक्वल टू है x² + L² का रूट। इसको वैल्यू को यहां रख दें, KP
एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्यूब है तो 3/2 हो जाएगा। अब फिर वही कंडीशन, एक्स जो है बहुत बड़ा है एल से, एल इज टू मच स्मॉलर देन एक्स, एल को 0 पुट कर देंगे। पुट करने पे क्या आ गया बेटे, के पी एच स्क्वायर पावर ऑफ पावर 3/2 उड़ गया। क्या आ गया, के पी अपॉन एक्स क्यूब, एक्सिस के अलोंग क्या आया था इसका डबल 2 KP/X³। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या देखे, KP/X³ आधा। इतना ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस दो रिजल्ट को याद करके आप 4 नंबर नेट में भी उठाओगे और सात। अच्छा अब यहां पर डायरेक्शन समझना है। अलोंग द एक्सिस हम क्या देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी का दोनों का सेम डायरेक्शन था। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पहले देखो पी का डायरेक्शन क्या है, ये नीचे से मिटा दूं मैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जब फाइंड आउट करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस पर तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यही यहां ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पी और ई का डायरेक्शन डिफरेंट है, पी और ई का डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तब क्या हो जाएगा मेरा, ई माइनस साइन लगा देना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट साइन है, के पी अपॉन एक्स क्यूब, के पी अपॉन एक्स क्यूब, ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर। तो दो रिजल्ट अपने आ गए, ई एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग ई एक्सिस इक्वल टू ट्वाइस के पी अपॉन एक्स क्यूब और ई परपेंडिकुलर इक्वल टू माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब, यानी परपेंडिकुलर से डबल हो गया एक्सिस का मैग्नीट्यूड के टर्म में। डायरेक्शन यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई एंड पी, ई एंड पी बोथ सेम डायरेक्शन, बोथ सेम डायरेक्शन, और यहां पर ई एंड पी आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ई एंड पी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। कंपटीशन के लिए यही पॉइंट दो इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन दोनों बेटे पक्का है, एक कोई है श्योर शॉट, और कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान देना है। एलन टेस्ट जैसे पहला टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ही है और उधर पहला मोशन, दोनों लेके चलेगा, 11-12 दोनों, एक चैप्टर इधर एक चैप्टर 11th वाला इस तरह से कवर अप करेगा। लिख लिए बेटे, अब नेक्स्ट इसमें जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, बोर्ड के लिए अब जरूरत नहीं है, अब कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो दो हम देखे कि अलोंग द एक्सिस निकालना हो या परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के डायरेक्शन में निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो वैल्यू आया, ई एक्सिस 2 KP/X³ और
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में केपी अपॉन एक्स की। यदि आपको क्वेश्चंस दिया रहा है इस तरह से पूछे अब ये जेई के लिए इम्पोर्टेंट रह जाएगा, आप लोग के लिए तो ये दोनों काम है, लेकिन नॉलेज के लिए रखिए कहीं दे दिया तो। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया एक्सिस, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये पी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसके अलॉन्ग ये ई एक्सिस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और ये भी हम लोग ई परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यदि आपसे पूछता है फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कहीं भी, तब क्या खेल करेंगे? अब इस चीज को समझना हुआ, ये तो स्पेशल केस हो गया ना, ई एक्सिस या ई परपेंडिकुलर। यदि इसको जनरलाइज करना रहे किसी भी पॉइंट पर तो हाउ टू फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटे, ये सारे पॉइंट को कवरअप करना है तो यहाँ पर वेरिएबल क्या रखेंगे ये पहले सोचना होगा कि पूरा स्पेस का पॉइंट कवरअप हो जाए। तो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कॉन्सेप्ट में क्या देखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट से जैसे हम लोग एक्स वाई, ये जनरल हो गया आपका कोऑर्डिनेट के हिसाब से। पोलर कोऑर्डिनेट में आर एक वेरिएबल होता है और दूसरा थीटा। कहने का मतलब कि स्पेस का कोई भी पॉइंट आपको यदि स्पेसिफाई करना हो, जैसे मान लो इस पॉइंट को हमको स्पेसिफाई करना है तो ऑरिजिन से ये आर डिस्टेंस पर और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल, मान लो इस पॉइंट को हमको कवरअप करना है, ये आर का वैल्यू बढ़ा दिए थीटा वही रखे। यदि यहाँ कोई पॉइंट है क्या किए, ये आर का वैल्यू चेंज हो गया, थीटा का भी एंगल चेंज हो गया। कोई भी पॉइंट रहे, यहाँ पॉइंट रहे, दिस इज योर आर का वैल्यू, यानी आर और थीटा को चेंज करके स्पेस का सारा पॉइंट, ये देखो इधर कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस यहाँ से आर और ये एंगल थीटा, यहाँ देखना ध्यान से थीटा लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये नहीं कि यहाँ से आप कंसीडर कोई एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई रखना है, कोई एनी पॉइंट, ये पॉइंट करना है, ये हो गया आर और थीटा हो गया ये। तो पोलर कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट में हम क्या देख रहे हैं कि स्पेस का कोई भी पॉइंट को हमको डिनोट करना है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पी पॉइंट को एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते थे, सिमिलरली यहाँ आर और थीटा से एवरी पॉइंट कैन बी स्पेसिफाई। क्लियर बेटे? तो उसी तरह से यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर हमें निकालना है तो इस पोलर कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ आर की जगह पर एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, दोनों पार्ट बराबर ही है, एक्स और थीटा, जैसे ये पॉइंट कर रहा है तो यहाँ से ये एक्स और एंगल थीटा, ये पॉइंट कर रहा है ये एक्स का वैल्यू चेंज हो गया, थीटा भी चेंज हो गया, आर और थीटा को चेंज करके पूरे स्पेस के पॉइंट को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये तो पहला चीज हो गया, सीखे भाई कैसे पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना है एनी पॉइंट। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं यहाँ फाइंड आउट करने के लिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, जो पढ़े हैं बस उसी को यूज करेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यही पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई वाला इसको हटा दें तो अब यहाँ पर क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट में आर थीटा से एक्सप्रेस करेंगे, तो ये मान लेते हैं इसको भी हटा दो फालतू का कंफ्यूजन नहीं, ये पी पॉइंट पे निकालना है, मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस है एंगल थीटा। ये ध्यान देने के बाद क्या है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि थीटा जो ले रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, डाइपोल मोमेंट के एक्सिस से, ये क्या है डाइपोल मोमेंट का एक्सिस है, यही डायरेक्शन है। यदि मान लो फॉर एग्जांपल इधर मैं प्लस क्यू कर दूं और इधर माइनस क्यू कर दूं, ये एक्सिस हो गया, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज ये हो गया, ये दैट इज योर मिडिल पॉइंट,
ओ, अब कोई पॉइंट ये है मान लो पी, तो यहां से ये एच डिस्टेंस और एंगल कहां से लेंगे, ये एंगल डाइपोल, डाइपोल मोमेंट के एक्सिस से ये थीटा कंसीडर किए हैं, तो यहां पर तो एक्सिस तो ये हो गया ना, दैट इज योर पी माइनस से पॉजिटिव ये डायरेक्शन, तो थीटा को कहां से मेजर करना है, डाइपोल, डाइपोल के, डाइपोल मोमेंट के एक्स डायरेक्शन से थीटा, ये कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए, थीटा कहां से ले रहा है, डाइपोल मोमेंट का जो पी का जो डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल को भी पॉइंट को, क्लियर, ये नहीं कि अब ये दिया तो पर सर ने बताया ये थीटा तो यहां से इस थीटा को ले लिए चेंज कर दिया, तो ऑलवेज थीटा कहां से लेना है, पी से, पी जो रहेगा पी का जो डायरेक्शन रहेगा वहां से थीटा को कंसीडर करना है, अब डेरिवेशन के लिए किए यहां से आपका ये चेंज कर दिया बस आप काम घबरा दिए, क्योंकि यहां पर एंगल ही इंपॉर्टेंट खेल है, तो एंगल कहां से मेजर करेंगे, डाइपोल के एक्सिस से एंगल थीटा को मेजरमेंट करना है, क्लियर पक्का हो गया, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं, चलो तो यहां पर क्या करें, ये तो मेरा P का हो गया, इसको देख लें ये P हो गया और x डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर दैट इज डी पॉइंट P निकालना है, व्हाट इज डी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर क्या करेंगे बेटे, तो हम क्या करेंगे ये P, P को इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले लेंगे, P जो है ये P जो है क्या किए इसके अलोंग P cos थीटा, ये जो P का कंपोनेंट क्या ले लिए ऐसे, ये एक एक्सिस कंसीडर किया, ये परपेंडिकुलर क्या है ये ध्यान से देखो, ये P हो गया और इस पॉइंट पे निकालना है, ये हो गया P, ये Q ले रहे थे, दोनों सेम सेम हो जा रहा है क्योंकि P को डाइपोल मोमेंट से शो कर रहे हैं, Q पॉइंट ए ले लो, Q पॉइंट, तो हमें क्या करें, ये थीटा एंगल है ठीक, ये है x डिस्टेंस पे निकालना है, तो हमने क्या किया P को जिस डायरेक्शन में निकालना P का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिए, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा P cos थीटा, कोई दिक्कत यहां पर, ओके डन, P cos थीटा लिख दिए, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में P sin थीटा, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फॉर्मूला मुझे पता है 2kp अपॉन एक्स क्यू निकाल चुके हैं, और बाइसेक्टर का भी फॉर्मूला पता है kp अपॉन एक्स क्यू, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एक मिनट, एक्सिस के लॉन्ग 2kp अपॉन एक्स क्यू और परपेंडिकुलर का आधा kp अपॉन एक्स क्यू, करने का पर्पस क्या है इसका, क्योंकि ये एक्सिस और ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला मुझे मालूम है, तो मैंने क्या किया जो P है P का कंपोनेंट जिसके लॉन्ग निकालना ले लिया P cos थीटा, अब जो फॉर्मूला में मेरा P था यहां पर क्या हो जाएगा P cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर में जो P था वो ये परपेंडिकुलर का P के जगह पर P sin थीटा ले लेंगे, बस सारा खेल खत्म, उसका ई नेट निकाल लेंगे पूछेगा तो फॉर्मूला क्या हो गया अपना फाइनली, ये तो समझ में आया क्या किए, P का जिस डायरेक्शन में करना है कंपोनेंट ले लिए P cos थीटा, और इस P cos थीटा के कारण इस x डिस्टेंस पर मुझे फॉर्मूला पता है E axis equal to फॉर्मूला क्या है कि 2kp upon x cube ठीक है, और यहां पर P के जगह पर क्या हो गया P के जगह पर P cos थीटा, P cos थीटा डाइपोल का कंपोनेंट P cos थीटा, P cos थीटा के कारण x डिस्टेंस पे देखना है ना, ये जो हम लोग निकालते थे ये ध्यान से देखो माइनस Q प्लस Q और डाइपोल मोमेंट क्या आया था P, इस P के कारण एक्सिस के लॉन्ग कितना हुआ था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सिस के लॉन्ग 2kp अपॉन एक्स क्यू, P
पीक डाइपोल के मोमेंट के कारण एक्सिस के अलोंग, आप क्या कर रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं बोल रहे हैं, पी डाइपोल मोमेंट के कारण एक्सिस के अलोंग 2kp अपॉन एक्स क्यू, पी डाइपोल के कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई पे परपेंडिकुलर kp अपॉन एक्स क्यू, इस तरह से स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर ली। वही सेम चीज अब क्या हो गया, डायपोल क्या हो गगया, ये एक्सिस हो गया, पी के जगह पर पी कॉस थीटा के कारण एक्स डिस्टेंस पर डायपोल मोमेंट क्या आ गया, 2kp कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यू। उसी तरह से पी क्या बोलेंगे, पी साइन थीटा के कारण, पी साइन थीटा के कारण एक्स एक्स परपेंडिकुलर ये हो गया ना, इसके ये परपेंडिकुलर, पी साइन थीटा डायपोल के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक्स डिस्टेंस पर व्हाट इज डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, के पी, पी के जगह पर पी साइन थीटा कर देंगे एक्स क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, थीटा दिया रहेगा एक्स दिया रहेगा, वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि अब मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आपको थीटा मान लो दिया रहेगा, मान लो 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, और पी का वैल्यू एल डिस्टेंस मान लो दिया रहे फॉर एग्जांपल आपका जो भी 2 माइक्रोमीटर या जो भी दिया रहेगा, तो पी का वैल्यू निकालें, चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा, ये सारे वैल्यू निकाल कर पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। उसी तरह से ई परपेंडिकुलर का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, ठीक। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ध्यान से आपसे समझने का है, यहां पर एक्सिस के लॉन्ग कॉन्सेप्ट क्या देखे, पी और एक्स का सेम डायरेक्शन, एक्सिस के लॉन्ग पी और ई का दोनों का सेम डायरेक्शन था, यहां भी क्या है आपका, ये एक्सिस है ना, ठीक है, पी कॉस थीटा का डायरेक्शन यही आया है सर, वो इक्विटोरियल प्लेन बना होगा, उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही इक्विटोरियल प्लेन भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही दूसरा नाम क्या है, इक्विटोरियल प्लेन सर, आप टू नहीं होगा कहां पर, ये क्या कर, ये देखो क्या की पी का कंपोनेंट लिए इसके डायरेक्शन में, ये क्या होगा अलोंग द एक्सिस, पी कॉस थीटा के कारण ये क्या है, ये देखो ये पी कॉस थीटा आया, यहां लिख दो पी कॉस थीटा, ये आपका ऑरिजिन था, यहां से क्यू पॉइंट पर निकाल लेते एक्स, ठीक है। तो पी के कारण, जैसे यहां बोलते थे ना, पी के कारण एक्स डिस्टेंस पर अलोंग द एक्सिस है ना, ये भी देखो पी कॉस थीटा के कारण क्या है, पी कॉस थीटा का डायरेक्शन तो यही है, पी कॉस थीटा का डायरेक्शन यही है, तो इसी के अलोंग तो निकाल रहे हैं, ये क्या हुआ एक्सिस के अलोंग, तो एक्सिस के अलोंग निकालने का फॉर्मूला क्या आया, 2kp अपॉन एक्स क्यू, इसलिए इसको डाले, पहले ये समझ लो, अब दूसरे वाले को समझो, ये बाकी डायग्राम को मिटाते हैं। अब क्या हो रहा है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, ये पी साइन थीटा, यही डायरेक्शन है ना, हम कहां निकाल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस, ये है एक्स डिस्टेंस दैट इज क्यू पॉइंट, ये क्या है परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में यहां निकालना है ना, तो पी साइन थीटा का ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला, इसी को इक्विटोरियल प्लेन भी बोलते हैं, ई परपेंडिकुलर को ही इक्विटोरियल, इक्विटोरियल इक्विटोरियल मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पर क्या हो गया, किसके कारण, पी साइन थीटा के कारण, फॉर्मूला क्या है ई परपेंडिकुलर का, के पी अपॉन एक्स क्यू, पी के कारण ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये जैसे निकाल देते ना, पी के कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स पर, सेम इसके कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर, तो ये क्या हो गया अपना बेटे, के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यू,
अब डायरेक्शन देखना, ये तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए, अब इसका ई स्क्वायर एक्सिस उपयोग नहीं करेंगे, लंबा कैलकुलेशन, वैल्यू जो दिया रहेगा वैल्यू निकाल के और स्क्वायर रूट ई एक्सिस स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके वैल्यू बता देंगे। अब डायरेक्शन लेके समझना जरूरी है, डायरेक्शन क्या होगा देखो, यहाँ पर ये ई एक्सिस वाला तो डायरेक्शन यही रहेगा, पी कॉस थीटा ई एक्सिस का सेम डायरेक्शन, अच्छा यहां पे देखे पी साइन थीटा ये है, पी साइन थीटा मेरा ये है, ठीक है, तो यहां पर क्या है पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे दोनों अपोजिट डायरेक्शन था, पी और ई दोनों का अपोजिट।